आतंकी हमलों के बीच एक खबर ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया। खबर जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर इलाके से, जहां कुपवाड़ा की एक जेल में जोरदार धमाका हुआ। धमाका हुआ तो किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसा धमाका था। इधर उधर अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन जांच में जुट गया। धमाके की तह तक जा पाते उससे पहले घायलों का रेस्क्यू करने का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ एक जेल में ऐसा वकवा जो है नजर में आया है, जिसमें कोई एक ऐसी जो कोई सिलेंडर जैसी शय ब्लास्ट हुई है, तो उसमें कुछ लोग इंजर्ड हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वो जेरे इलाज है। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल उस समय दहल उठी थी जब एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। बाद में पता चला कि ये धमाका सिलेंडर के फटने से हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई थी। इस घटना में 9 कैदियों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिसमें 5 को श्रीनगर के लिए रेफर भी कर दिया गया है। सभी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी और गंभीर स्थिति में इन्हें जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट कुपवाड़ा जेल के अंदर ही हुआ है, वो भी एक रसोई गैस के सिलेंडर के फटने से। जेल प्रशासन की तरफ से पूरे मामले को लेकर अभी जांच रुकी नहीं है, जांच आगे भी जा रही है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है और धमाका कुपवाड़ा जेल में हुआ तो इसे ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता। इसकी गहनता से जांच होनी बाकी है। जेल में सिलेंडर के फटने से ब्लास्ट का होना अपने आप में चिंता का विषय है, वो भी तब जब पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ रहे हों। जेल के कैदियों की सुरक्षा की चूक किसी भी हादसे के जरिए से हो सकती है, ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट का होना भी कई सवालों को खड़ा करता है। पूरे मामले को लेकर न्यूज एजेंसी एनआई की तरफ से एक वीडियो भी सामने आई, जिसमें घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। मौके पर अस्पताल में भारी संख्या बल में सुरक्षा कर्मी भी दिखाई पड़े। पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का मानना है कि विस्फोट जिला जेल की रसोई के अंदर हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 लोगों की हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया। क्योंकि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल ज्यादा बड़ी नहीं है, ऐसे में माना जा रहा है कि रसोई में कामकाज के दौरान ही सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन इसे इतनी आसानी से सुरक्षा बल जाने नहीं देंगे। जांच होगी, मामले में पुलिस जांच में भी जुट चुकी है, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।